स्वागत है आपका रोड मोटर चैनल में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं VTS। VTS मतलब व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि अब कमर्शियल हर गाड़ी के अंदर आपका लगवाना अनिवार्य है। उसको दिखाएंगे आपको और अंदर से कैसा है वो भी दिखाते हैं अपना। चलो शुरू करते हैं, तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को दिखाते हैं आपको। ये है जी आपका व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक्यूलेट भारत स्टेज 101 का है, और देख सकते हो आप। और यहाँ से आपको ये लगता है गाड़ी के अंदर, और ये आपकी कारें जो लग जाती है इसके अंदर, जो कि जाती है आपकी अपना पैनिक बटन के साथ, और आपके फ़ोन से अटैच रहता है। और ये आगे इसका बटन आगे VTS के पैनिक बटन आ जाता है, एमरजेंसी बटन, देख रहे हो आप। VTS को इसमें लगा हुआ होता है। VTS जो होता है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, आपको मैंने बता ही दिया। इसमें एक GPS भी लगा होता है। GPS लगा होता है VTS, जो VTS का मतलब होता है कि ये आपका सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, जो कि आपकी एक इंफॉर्मेशन, जो हम अगर इसमें कोई अलर्ट आता है, अगर हम ये बटन दबाते हैं, इसका ये बटन दबाने पर इसकी जो इंफॉर्मेशन जो जाती है, एक अपना नज़दीकी कोई आती है, किसी पुलिस थाना है वहाँ जाती है, और दूसरी हमारे पास आती है जिसकी गाड़ी है उसके पास आती है, और अलार्म बजता है इसमें, जो कि अपना ड्राइवर के लिए बहुत सेफ होता है। क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में आपको पता ही है कि हादसे वगैरह होते रहते हैं, लूटपाट होते रहते हैं, इस कारण ये गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ। बाकी बहुत रीज़न है इसको चलाने के लिए, बहुत चीज़, गाड़ी की लोकेशन कहाँ आती है और गाड़ी में वज़न कितना है, ये सारा कुछ उसमें पता लग जाता है। गाड़ी में माल कितना है, गाड़ी में तेल कितना है, कौन से गियर पे चल रही है, कौन कितनी स्पीड पे चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है इससे लगाने के बाद। अब इसको दिखाएंगे हम कि इसमें कहाँ पर क्या चीज़ चलती है, लगती है चिप वगैरह कहाँ लगती है इसमें, अभी इसको खोल के भी दिखाएंगे। और ये दूसरा टाइप का आ गया है, देखो इसमें भी वो सेम चीज़ है जो इसमें होती है, ठीक है। और इसमें इसके साथ ही लगी हुई है, आप देख रहे हो, इंफॉर्मेशन पूरी आती है। ये पुराना है और ये नया है, खोल के दिखाएंगे दोनों में चिप कहाँ लगती है। इसमें दो सिम लगती है दोनों के अंदर, लगाते हैं आपको। ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है इसके ऊपर, VTS लिखा हुआ है, और सिम के जो हैं जो IMEI नंबर है वो भी लिखे हुए हैं, और इसमें लिखे हुए सेट देखो। देख रहे हो इसमें जो है चिप वगैरह वहाँ बढ़ती है, इसको खोल के इसके अंदर करती है, और इसमें सारे चारों बटन खोलने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल खोलते हैं इसको, खोल के दिखाते हैं आपको क्या है इसके अंदर। आ गई है, बटन आ गए, देख रहे हो यहाँ से चलता है। अभी खोलेंगे इस दूसरे का, खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ये भी खोलते हैं यहाँ से, चार पेज कस लगे हुए इसमें, चार नट है, चारों नट खोलेंगे। ये देखो ये छोटी सी बैटरी होती है इसके अंदर, और ये आपका 8 घंटे तक चल सकती है बैटरी। और ये आ गया आपका GPS का कनेक्शन आ गया, देखो सारा कुछ देख सकते रहे हो आप। इसको निकालते हैं, इसको करते हैं अलग, अलग हो गया, इतना सा
ऑथोराइज होता है जो कि आपका गाड़ी को सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल के अंदर बताता है। ये करते हैं GPS और ये बैटरी आ गई इसकी, इसको बंद करते हैं। अभी इसको फिर दोबारा से बंद कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड हमने आपको VDS खोल के दिखा दिया, उसमें GPS और VDS दोनों चीज़ें होती है, हमने देख लिया हुआ। बैटरी भी लगी होती है जो कि 8 घंटे के लिए उसमें रहती है, 8 घंटे उसका बैटरी बैकअप, जो 8 घंटे का गाड़ी चलती है सिर्फ उसने GPS को ही चलाना होता है। तो इसी कारण अगर हमारे पास नेटवर्क ना हो तो बैटरी हो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है सब भी हमें मिल जाती है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की सिम लगती है, 5G और 4G, जो कि आपको आपकी गाड़ी की इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। GPS आपने देख लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।